है दुनिया के सातवें अजूबे का रहस्य? ताजमहल प्यार की निशानी या कुछ और? क्या कहता है पीएनओ का रिसर्च जिससे सब हैं हैरान? क्या बंद दरवाजों के पीछे बंद हैं कई राज? क्या सभी दरवाजे खुलते ही खुल जाएंगे वो राज जिन्हें हमसे छिपाया गया? ताजमहल या तेजो महले, आखिर क्या है सच? पुरातत्व विभाग का क्या है तर्क? भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, वो मुमताज से प्यार करता था। वहीं दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। विश्व के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए है, और उन रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठाया गया। आगरा में आने वाले पर्यटक इस ताजमहल को उतना ही देख पाते हैं जितना कि ताजमहल को देखने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की गई है। जबकि ताजमहल के बंद तहखानों में रहस्यों का वो इतिहास दफन है जिसका दीदार नामुमकिन लगता है, क्योंकि उन रहस्य में बंद दरवाजों को बंद ही रखा गया है, क्योंकि ये खुलते ही ना जाने कैसे कैसे सच उजागर हो जाएंगे जो सदियों से दरवाजों के पीछे कैद हैं। ये सब बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि इनके पीछे कई शोधकर्ताओं के हैरान करने वाले दावे हैं। इस मसले पर विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक का कहना है, ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया ही नहीं। उनका यह भी कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने यहां अपनी अकूत संपत्ति छिपाई थी, जिसे दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए यहां बेगम मुमताज के शव को दफनाया गया, ताकि मकबरा समझकर कोई दुश्मन इस पर आक्रमण ना करे। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक का कहना है कि ताजमहल मुगल सम्राटों के भारत आने के पूर्व एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महले था। प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ताजमहल के चौंकाने वाले तथ्य पर कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं, जिसमें से द ताजमहल इज तेजो महले, ताजमहल द ट्रू स्टोरी आदि वो खोज पुस्तकें हैं जिसमें ताजमहल के आश्चर्यजनक रहस्यों को उजागर किया गया है। ओक ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि प्राचीन इमारत ताजमहल में ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जो ताजमहल को तेजो महले होने की पुष्टि करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार ओक अपने शोध में दावा करते हैं कि ताजमहल जहां स्थित है वहां वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसे आगरा के राजपूत राजाओं ने बनवाया था, लेकिन जब मुगलों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया तो आगरा में भी वीर राजपूतों और क्रूर शाहजहां के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इसमें राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा, परिणाम स्वरूप ये शाहजहां के कब्जे में चला गया, जिसके बाद मुगल शासक ने इसे तोड़ मरोड़ कर इसका रूप बदलकर ताजमहल बना डाला। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसी संभावना है कि ताजमहल के बंद दरवाजों के अंदर अकूत धन संपत्ति, सोने चांदी और हीरे जवाहरात आदि रखे हुए हैं। यदि ताजमहल के बंद दरवाजों के अंदर के ये दस्तावेज किसी के हाथ पड़ जाएं, तो पूरा इतिहास ही पलट सकता है और उस सच का पता लग सकता है जिसे आज तक छिपाया गया है। आपको बता दें कि आगरा स्थित ताजमहल जितना हमें धरती के ऊपर नजर आता है वो वास्तव में ताजमहल का आधा हिस्सा ही है। इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर तहखाने के रूप में है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ताजमहल के अंदर सैकड़ों कमरे हैं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि ये जगह रहस्यों से भरी हुई है। ताजमहल का वो गुप्त दरवाजा जो मुगल राजा शाहजहां के द्वारा उपयोग में लाया जाता था सदियों से बंद है, जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं। ताजमहल के वो दरवाजे जिनसे गुपचुप लोगों का आवागमन होता था वो आज पूरी तरह बंद है। ताजमहल के उस दरवाजे का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है जहां से शाहजहां के शव को दफनाने के लिए लाया गया था। दरअसल 8 फीट का वो दरवाजा मिट्टी से बंद कर दिए जाने के कारण 2 फीट का ही नजर आता है। ताजमहल को अधिकतर इसलिए जाना जाता है कि वहां मुगल शासक शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज का पार्थिव शरीर दफनाया गया, जबकि इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि इसमें शाहजहां और मुमताज के कई रिश्तेदार आदि को भी इसी ताजमहल में दफनाया गया जिनका राज पूरी तरह से खुल नहीं पाया। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल के तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से इनकार किया है। एक आरटीआई के जवाब में एएसआई ने यह जानकारी दी। एएसआई ने यह भी बताया कि ताजमहल मंदिर की जमीन पर नहीं बना हुआ है।
दरअसल 12 मई को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत एस गोखले ने आरटीआई दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने एएसआई से दो सवालों की जानकारी मांगी थी। पहले सवाल में उन्होंने ताजमहल की जमीन पर मंदिर नहीं होने का सबूत मांगा था, जबकि दूसरा सवाल तहखानों के 20 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से जुड़ा हुआ था।